स्टूडेंट्स, आई एम नीलम, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो टॉपिक हमने पढ़ा था, लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल है यहाँ पे, उसको सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल है हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21। अ मिक्सर ऑफ टू लिक्विड हाइड्रोजन N2H4 एंड N2O4 आर यूज एज अ फ्यूल इन रॉकेट। अब यहाँ पर दिया है कि हमारे पास दो लिक्विड का मिक्सचर है, हाइड्रोजन और डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, जिसको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है रॉकेट्स में। जब ये दोनों का रिएक्शन होता है तो इनके रिजल्ट में क्या होती है, नाइट्रोजन प्रोड्यूस होती है और वाटर वेपर्स। दे प्रोड्यूस N2 एंड वाटर वेपर्स। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस विल बी फाउंड बाई रिएक्टिंग 100 ग्राम ऑफ N2H4 एंड 200 ग्राम ऑफ N2O4। मीन कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास हाइड्राजीन जो है वो 100 ग्राम है और N2O4 जो है वो हमारे पास 200 ग्राम है, तो इन दोनों के रिज़ल्ट में नाइट्रोजन कितनी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, हमने नाइट्रोजन की जो ग्राम है उनको कैलकुलेट करना है कि हाइड्राजीन के और N2O4 के रिएक्शन में जो नाइट्रोजन की प्रोडक्शन है वो कितनी हो रही है। अब गिवन डाटा को देखिएगा, हमारे पास जो N2H4 है वो दी हुई है, मैस उसका दिया हुआ है 100 ग्राम। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास मैस ऑफ N2O4 है वो कितना दिया गया है, हमारे पास 200 ग्राम। और मैस ऑफ नाइट्रोजन हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब इक्वेशन देख सकते हैं, हमारे पास 2 मोल है N2H4 के और 1 मोल है N2O4 का। दोनों का रिएक्शन करवाया, उसके रिजल्ट में हमारे पास आ रही है 3 मोल नाइट्रोजन एंड 4 मोल वाटर मॉलिक्यूल। मीन कि हमारे पास 100 ग्राम N2H4 है और 200 ग्राम N2O4 है, इन दोनों के रिजल्ट में N2 कितनी प्रोड्यूस हो रही है उसको हमने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों के नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। लाइक हम N2H4 के नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, फिर N2O4 के नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। अब इससे के लिए नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उनका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे पहले। तो मोलर मास क्या है, नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है 14, और हमारे पास यहाँ पे कितनी नाइट्रोजन है 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 28 नाइट्रोजन का हो गया, और 4 इसमें किस आप ऐड करेंगे हाइड्रोजन का, तो टोटल कितना हो गया 32। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो आ रहा है नाइट्रोजन N2O4 का मास कितना था हमारे पास 100 ग्राम, ये दिया गया, और मोलर मास हमारे पास कितना आ गया 14 को 2 से मल्टीप्लाई करो 28 और 4, टोटल कितना हो गया 32 ग्राम पर मोल। मास ओवर मोलर मास आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स। मीन के N2H4 के कितने नंबर ऑफ़ मोल्स हैं 3.125। दूसरी तरफ हमारे पास N2O4, उसका गिवन मास है हमारे पास 200, और मोलर मास हम निकालेंगे सेम पहले की तरह, नाइट्रोजन कितनी है 2, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करो 28, और फिर ऑक्सीजन हमारे पास 4 है और एक ऑक्सीजन का मोलर मास 16 होता है, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64, 28 ऐड करो टोटल कितना हो जाएगा 92 ग्राम पर मोल्स आ जाएंगे। अब 200 डिवाइडेड बाय 92, तो आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए 2.17। पहले हमने N2H4 के नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट किए, वो हमारे पास आए 3.125, फिर हमने N2O4 के नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट किए, वो हमारे पास आए हैं 2.17 मोल्स। अब दोनों के कंपाउंड्स के हमने क्या कर लिए हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट कर लिए। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से नाइट्रोजन कितनी कितनी प्रोड्यूस होती है। उसके लिए देखिएगा, हम इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इक्वेशन आपके पास क्या थी, आप देख रहे हैं यहाँ पर इक्वेशन में आपके पास N2H4 कितने हैं, N2H4 कितने थे हमारे पास 2 मोल, नाइट्रोजन कितनी है 3। जब इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो N2H4 हमारे पास कितनी आ रही है 2, और नाइट्रोजन कितनी आ गई है 3। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास अगर 2 मोल हमारे पास हाइड्रोजन के हैं और 2 मोल हाइड्रोजन ने 3 मोल नाइट्रोजन की प्रोडक्शन की है, ठीक है, नाइट्रोजन की प्रोडक्शन कितनी हुई है 3, और अगर हम 1 मोल हाइड्रोजन लें तो हमारे पास नाइट्रोजन की कितनी प्रोडक्शन होगी 3/2। ठीक हो गया। अब N2H4 के नंबर ऑफ़ मोल्स कितने थे 3.125। अब हम क्या करेंगे, 3/2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ मोल्स 3.125, तो ये हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए जो हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन के बनाए, मतलब कि 4.68 मोल्स
हाइड्राजीन में किसके हैं, नाइट्रोजन के हैं। या आप ये कह सकते हैं कि 3.125 नंबर ऑफ मोल्स थे हमारे पास N2H4 के, उसमें से जो 4.68 मोल्स हैं वो किसके हैं, नाइट्रोजन के हैं। या आप ये कह सकते हैं कि जो हाइड्राजीन है उसके रिजल्ट में जो नाइट्रोजन बन रही है, या उसमें से जितनी नाइट्रोजन की प्रोडक्शन हो रही है वो कितनी है, 4.68 मोल्स। ठीक हो गया। अब हम दूसरी तरफ जो हमारे पास डाई नाइट्रोजन टेट्राक्साइड था उसको कंपेयर करेंगे, वो आप अगर इक्वेशन में देखें तो आपके पास इक्वेशन में वो कितना आ रहा है, N2O4 कितना है, 1 मोल, और नाइट्रोजन कितनी है, 3 मोल। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। हमने क्या ली पहले, नाइट्रोजन N2O4 कितनी है, 1 मोल, और नाइट्रोजन कितनी है, 3 मोल। 1 मोल 3 मोल बना रही है तो 5 1 मोल्स आ गया। दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है हमारे पास, N2H4। ठीक है, क्योंकि उसमें से नाइट्रोजन की प्रोडक्शन क्या हुई है, कम हुई। अब उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, जब लिमिटिंग रिएक्टेंट का जब हमने मास कैलकुलेट करना तो नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, कितने थे, 4.68 आए हैं, और मोलर मास नाइट्रोजन का कितना होता है, 28 ग्राम पर मोल। और आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, जब नंबर ऑफ मोल्स को हम मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, N2 का मास आ जाएगा। अब हमारे पास जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो कौन सा था, N2H4। ठीक है, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है क्योंकि इसने कम अमाउंट दी है नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का मोलर मास 28 और नंबर ऑफ मोल्स आए थे 4.68, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास नाइट्रोजन का क्या आ गया, मास आ गया। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास 3 मोल अगर हाइड्राजीन के हैं और 1 मोल हमारे पास N2O4 है, तो दोनों के रिजल्ट में जो नाइट्रोजन की प्रोडक्शन है वो कितनी है, 1.04 ग्राम हुई। क्लियर हो गया, समझ आ गई। अब इसके लिए क्या किया हमने, कि हमने पहले जो दोनों दिए हुए हैं N2H4 100 ग्राम और N2O4 जो 200 ग्राम, दोनों की अमाउंट हमें गिवन है, मास गिवन है, उनमें से हमने मास कैलकुलेट करना है नाइट्रोजन का। पहले दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, पहले हम दोनों के क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने इसके किए और फिर इसके किए, फिर हम दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, फिर हम दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। आप देख रहे हैं कि हमने दोनों को क्या कर लिया है, कंपेयर कर लिए कि हमारे पास N2H4 कितना था, 2 मोल्स, और N2O4 कितना है, 1 मोल। दोनों को करने के बाद जो नाइट्रोजन के कम नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको हमने क्या करना है, उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन का मास आ जाएगा। अब आपने सेम इसी मेथड से एग्जांपल नंबर 13 सॉल्व करनी है, जिस मेथड से जैसे जैसे हमने ये किया वैसे वैसे आप एग्जांपल नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।